हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि आज आप देख सकते हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अनानास का पौधा कैसे लगाएं। और आप देख सकते हैं अनानास की जो लीव्स है उसको हमने एक बॉटल में कट करके पानी में डाल के रखा हुआ है 3 दिन तक। और फिर इसमें जो इसके रूट्स से निकल आए हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं, आपको ये दिखा रहे हैं, इसके देखिए इसके रूट्स निकल आए हैं। और इसके बाद अब हम इसे आज बैठाने जा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि आप किसी भी जूस के शॉप पे इसको आसानी से पा सकते हैं, अनानास के लीव्स। और आप इसको घर पे लाके इजली ऐसे ही बॉटल में डाल के पानी में रख दीजिए, फिर इसमें जब रूट्स निकल आएंगे तो आप इसको कहीं पे भी बिठा सकते हैं। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि इसको कैसे बैठाएं और अनानास का पौधा कैसे तैयार करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये सुशांत जी हैं जो कि आज आपको बताने वाले हैं कि अनानास का पौधा कैसे तैयार करें घर पे, और आप अनानास ताजे ताजे अनानास अपने घर पे ही खा सकते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये जो है मिट्टी इन्होंने गड्ढा बना लिया है। अब उस मिट्टी को अच्छे से जो है भुरभुरी बना रहे हैं मिट्टी को, और इन्होंने इसमें कुछ पाउडर डाल रखा है जिसका नाम है महाकाल, जिससे कीड़े न लगें। तो आप देख सकते हैं आज ये आपको बताने वाले हैं कि अनानास का पौधा कैसे लगाएं। आप इसको देख सकते हैं, इसको एक जूस के शॉप से लाए थे जो कि इजली आपको मिल जाएगा। आप किसी भी जूस के शॉप पे जूस भी पी सकते हैं, आसानी से इसको ले भी सकते हैं। और फिर ला के इसको आप ऐसे ही जैसा अभी इन्होंने बताया कि इसको पानी में डाल के रखें, और जब इसमें रूट्स निकल आए तो आप इसको कहीं भी, आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी कोई भी गमला खाली नहीं है तो इसको हम ज़मीन पर ही लगा रहे हैं। और ज़मीन में हमें ज़्यादा सूटेबल लगता है, क्या ज़्यादा ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो हम लोग इसको अभी ज़मीन में लगा रहे हैं। और अगर आप लोगों को गमले में भी देखना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको गमले में भी इसको बिठा के दिखाएंगे अनानास का पेड़। फिलहाल अभी आप ज़मीन में ही देखें। देखिए लगा चुके हैं इसको, अब इसको ये दबा रहे हैं मिट्टी को। और दोस्तों जो ये पौधा है इसे जानवर भी नहीं खाते हैं, कोई भी जानवर नहीं खाता है इसे, क्योंकि इसकी पत्तियां कटीली होती हैं। अभी बारिश का मौसम भी चल रहा है तो ये लग भी जाएगा। मिट्टी को दबा देंगे का। इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। एक साल में इसमें फल आते हैं, एक साल बाद। एक साल बाद हमारा पौधा तैयार हो जाएगा, और जब तैयार हो जाएगा हम आप लोगों को दूसरी वीडियो बना करके दिखाएंगे। तो दूसरी वीडियो अगर आपको देखनी हो कि इसका फल कैसे तैयार हुआ, तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। आप हमें जितना ही प्यार देंगे हम लोग भी उतने ही अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि पेड़ कैसे लगाएं, अपने घर पे गार्डनिंग कैसे करें, आउटडोर प्लांट इनडोर प्लांट, हम ये सब वीडियो आपको आसानी से दिखाएँगे। तो दोस्तों लाइक कमेंट ज़रूर करना हमारे चैनल पे। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।